लोगों को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी प्रमुख समाज वैज्ञानिक हैं, प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं, राजनीति विज्ञान के प्रखर प्रवक्ता हैं। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में राजनीति विज्ञान विभाग में सह आचार्य हैं और वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं। विषय के बहुत ही गहरे विद्वान हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी को। आज की इस ई संगोष्ठी के संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर आर एन सोनी साहब, सह संरक्षक विभागाध्यक्ष कंचना सक्सेना जी, सहायक निदेशक डॉक्टर संजय भार्गव साहब जिनका उद्बोधन हमने शुरुआत में सुना, विशिष्ट अतिथि और हमारे संघर्षों के साथी अनुराज परिहार जी, संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर सरिता शर्मा जी और मेरी साथी सह संयोजक इस संगोष्ठी की डॉक्टर अकीला आजाद जी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज मौका दिया डॉक्टर घासीराम जी चौधरी, राजेश भाई और नरेंद्र नाथ जी के साथ बोलने का, क्योंकि घासीराम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। मैं आपके सामने ये बिल्कुल स्पष्टता से रखना चाहूंगा, पढ़ता बहुत समय से रहा, इन गोष्ठियों में जलसों में बोलने का हिम्मत जो है वो हमारे घासीराम जी ने हमें दी, और कंटेंट तो खैर उनसे हमें मिलता ही रहा है हमेशा। आज भी इतना बढ़िया उन्होंने चीजें समझाई है कि मेरे लिए बहुत आसान हो गया अपनी बात को रखना। और सच बात तो ये है कि मेरी कई बातों मैं जो बोलने वाला था वो उन्होंने जो कि बोल दिया तो मेरे लिए थोड़ी परेशानी भी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, घासीराम जी से हमेशा ही हमें प्रेरणा मिलती रही है। और मैं महाविद्यालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक विषय आज के दिन चुना है, क्योंकि आज का दिन विरोधाभासों का दिन है। एक तरफ तो ये उससे एक महान विभूति, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रतिभाशाली और समाज भारतीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काज परिनिर्वाण दिवस है, और मैं हमेशा ही मानता हूं कि जन्म दिवस से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी पुण्यतिथि होती है, क्योंकि पुण्यतिथि पे आप अवलोकन करते हैं उनके पूरे क्रियाकलापों का, एक फ्लडलाइट की तरह से उनकी जिंदगी आपके सामने होती है। तो आज 6 दिसंबर को हमें देखना है कि अंबेडकर ने 1891 की पैदाइश थी, 1956 में उनका देहांत हुआ, और जो हमारा जो हमारी सामाजिक संरचना थी उसमें एक महार परिवार में पैदा होना, कितनी प्रतिकूलताओं में से वो एक हीरा जो है निकल करके आया, ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। जितने भी जीवन की जितनी प्रतिकूलताओं के लिए हम परेशान होते रहते हैं वो एक बार स्मरण कर लें भीमराव अंबेडकर का, कितनी प्रतिकूलताओं में अमेरिका और इंग्लैंड से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद जब वो वापस आते हैं और बड़ौदा में नौकरी करने के लिए, तो उनका चपरासी तक जो उनके तरफ फाइल फेंक करके रख के जाता है। अब देखिए इतने अवसाद और पीड़ा में से ये एक जाज्वल्यमान व्यक्तित्व निकल के आता है, और इनका जो विरोध था राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा, जो गांधी का जो वर्चस्व था, कांग्रेस का जो वर्चस्व था, उसके साथ इनका जो विरोध था वो बना रहा, उन्होंने कहीं इस पर समझौता नहीं किया। उन्होंने एक्ट पे जो एक लाइन ली उन्होंने वो एक बात ठीक है, लेकिन आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तक में वो उस समय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं थे। तो उनका जो अपना एक व्यू था, उनका ये कहना था कि राष्ट्रीय अंतर्विरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतर्विरोध। आजादी किसके लिए? हम अंग्रेजों के शासन से पराधीनता से मुक्त हो जाए, ये उसके बावजूद हमारे ऊपर सामाजिक पराधीनता के यदि बंधन बने रहे तो ये पराधीनता फिर ये स्वाधीनता का जो है वे मूल्य क्या है? ये प्रश्न उन्होंने बार बार राष्ट्रीय आंदोलन के सामने खड़ा किया, और 1932 के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा ने भी उनके इस मंतव्य को अपने एजेंडे में धीरे 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 करके शामिल किया। बल्कि एक समय में तो नेहरू इस बात पे नाराज से हो गए गांधी से कि आपने तो अछूतोद्धार को इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कोई चर्चा ही नहीं करते इन दिनों। पूरी गांधी ने करीब 8 या 10 महीने की एक यात्रा की इस मुद्दे में 1932 के पुनः एक्ट के बाद में। तो ये इंपैक्ट है, जैसे अभी घासीराम जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूर्ण स्वराज की जो बात 1930 में आई उसमें भगत सिंह आदि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की बड़ी भूमिका थी, ऐसे ही इस दलित मूवमेंट का की बड़ी भूमिका है कि दलित मुद्दे को जो है
वो राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया गया। लेकिन इस दिन का एक दूसरा विरोधाभास है, 1992 में जिस तरह से अयोध्या में स्थित ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को जिस तरह से विध्वंस किया गया, वो निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों के, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के जो हमारे चेरिश्ड वैल्यूज हैं, जो हमें भारत बनाती हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया का मूल तत्व है कि हम पाकिस्तान नहीं है। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना, लेकिन हमने कहा कि हम सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन होंगे। 6 दिसंबर 1992 की घटना एक बदनुमा दाग है हमारी उन चेरिश्ड वैल्यूज पे। तो हमें भारत के स्वधर्म पे हमला था, जिस स्वधर्म को संविधान में और हमारे राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में परिभाषित किया गया था। तो इन विरोधाभासों के बीच में जो महाविद्यालय ने जो ये वेबिनार आयोजित की है, उनके इन दोनों पहलुओं पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एक तरफ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और दूसरी तरफ संविधान, और फिर हुआ कि उसमें क्या भूमिका है और अंबेडकर इन तीनों में कहां खड़े हुए। मैडम सरिता शर्मा जी ने अपने शुरुआती नोट में, वक्तव्य में बिल्कुल सही कहा था कि राष्ट्र निर्माण एक अधूरा एजेंडा है और वो हमेशा अधूरा ही रहता है, क्योंकि वो कोई घटना नहीं है, वो एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे जिसे कहें बढ़िया चीज ये है कि भारत में संविधान वो फ्रेमवर्क अवेलेबल कराता है जिसमें हमारे राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्योंकि हमारा संविधान कोई स्टेटस क्विस्ट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। वर्तमान हालात ऐसे ही बने रहे इस बात को सुनिश्चित करने वाला कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो एक लगातार जीवंत दस्तावेज है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक क्रियाविधि अवेलेबल करवा रहा है, उपलब्ध करवा रहा है, जिससे होकर के हम एक लगातार एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बात घसीराम जी ने बार बार जिस अंबेडकर के जिस भाषण का जिक्र किया है, दरअसल 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया उनका आखिरी भाषण है, और इस भाषण को हम सबको पढ़ना चाहिए। अद्भुत भाषण है ये, लगता है कि जैसे आज के हालात पे लिखा जा रहा है, आज के हालात पे बोला जा रहा है। और ये अंतिम भाषण था बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसमें भी उन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि अब हम डेमोक्रेसी हो गए हैं, अब हमारे यहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है, इसलिए न तो कोई ब्लडी रेवोल्यूशन, एक हिंसक क्रांति के लिए कोई जगह नहीं है, और न ही सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा के लिए अब हमारे यहां कोई स्थान है। जब तक विदेशी शासन था जो संविधान के द्वारा संचालित नहीं था, तब तक ये सब अंतिम उपाय के रूप में ठीक थे, लेकिन अब हमें जो करना है वो संविधान के दायरे में रह करके। और संविधान तो हमारे यहां एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बाई कंसेंट, सहमति के द्वारा क्रांति का पूरा मौका हमें उपलब्ध कराता है। हाँ, अब ये बात दूसरी है कि संविधान को क्रियान्वित करने का जिनके ऊपर सारा बोझ है वो ही इसको सही तरह से लागू न करें तो भी हमारा संघर्ष संविधान के अंतर्गत ही होगा। ये बहुत, क्योंकि यदि संविधान ही यदि प्रतिगामी होता तो हमें बहुत आसानी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संघर्षों को, जो नसीराम जी अक्सर किया करते हैं और उनके साथ साथ हम भी जुड़े होते हैं, वो बहुत आसानी से असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था। लेकिन हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया ये संविधान हमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के इस तरह के सारे संघर्षों को संवैधानिक करार देता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया इस संविधान के दायरे में संचालित होनी है, और यहां इन दोनों का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं 2 मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो संदर्भ है हमारा राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम। जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ में भारतीय जनता का मुखामुखम होता है, आमना सामना होता है, तो पराधीनता के उस क्षण में हमारे सामने सबसे पहले ये बात आती है कि क्यों नहीं हम ब्रिटेन की तरह से एक सुगठित राष्ट्र हैं, हमने ऐसी क्या कमी है और हम क्यों नहीं राष्ट्र बन सकते हैं। इस बारे में 2-3 विचार सरणियां सामने आती हैं। सबसे पहला विचार तो हो खुद अंग्रेजों का ही था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक ये कहा करते थे कि भारत में इतनी विविधता है,
जाति, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, क्षेत्रीयता, इतनी विविधताएं, महाद्वीपीय विविधताओं के चलते हुए भारत एक राष्ट्र क्या, ये तो एक अखाड़ा है। पर ये तो हमने अपनी ताकत के बल पे एक प्रशासनिक एकता यहाँ पे कायम कर रखी है और इसको हमने एकजुट कर रखा है। हम यहां से यदि चले गए तो हम अदन तक भी नहीं पहुंचेंगे कि यहाँ पे विखंडन शुरू हो जाएगा और आप हमें वापस बुलाएंगे। तो एक धारणा तो ये थी कि भारत न तो राष्ट्र है और न राष्ट्र बन सकता है। इसके बरक्स एक दूसरी धारणा जो दिखने में तो इनकी विरोधी थी लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से देखिए तो इन्हीं के तर्क को स्वीकार करती हुई थी, वो थी जिसको आजकल हम अंतरराष्ट्रवादी धारा कह रहे हैं। उनका यह कहना था कि हम तो 5000 साल पहले ही राष्ट्र बन चुके थे और हम तो हमेशा से एकजुट और एक थे, तो फिर हमने ये पतन और ये अवसान क्यों आया कि ये तो सारी विदेशी शक्तियों की वजह से आया जो हमले हमारे पर होते रहे। और वो धारणा चलते चलते 15 अगस्त के भाषण में भी पहली बार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि 1000 साल की गुलामी। तो ये जो धारणा बनी कि हम तो बहुत पहले ही राष्ट्र बन चुके थे लेकिन विदेशी हमलों की वजह से हमारा अवसान और पतन हुआ, वो उस समय प्रकट हुई एक नारे के रूप में, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कि हिंदी भाषा होनी चाहिए, हिंदू धर्म होना चाहिए, यानी धर्म और भाषा के आधार पे हमें एकजुट होना है। ये वही यूरोपीय धारणा है जिसका कि विरोध करने की बात कही जा रही है। इस दुर्लभी संधि को हमें बहुत ध्यान से, समाज विज्ञानियों को, अपने विद्यार्थियों तक इस बात को जरूर समझाना है कि जो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, उनका सारा उधारी का माल है, सब यूरोप से ली हुई चीजें हैं। ये जर्मनी का राष्ट्रवाद है, ये ब्रिटेन और फ्रांस का राष्ट्रवाद है। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या था? एक धर्म मत के खिलाफ, उनका खुद का चर्च था, प्रोटेस्टेंट जिससे मिलता था वो, नंबर वन। एक भाषा अंग्रेजी, उन्होंने वेल्श भाषा, स्कॉटिश, आयरिश भाषा, इन सब का दमन करके अंग्रेजी भाषा को दिला दा। और तीसरा, एक एनिमी, कॉमन एनिमी, कौन? फ्रांस। इसके ठीक आप देखिए एंटीथेसिस, फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्र किस पर निर्भर है? एक धर्म कैथोलिक, एक भाषा फ्रेंच, वहां भी तमाम बोलियां थी, उनको क्रश करके, उनका दमन करके फ्रेंच भाषा जो है अपना वर्चस्व कायम करती है। और उनका एक कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटेन। ये जो एक भाषा, एक धर्म और एक शत्रु के आधार पे जो राष्ट्र की परिकल्पना थी और जिसको 5000 साल पुराने भारतीय राष्ट्र के प्रमाण चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, ये पूर्णतः अभारतीय विचार था। और इनके जो चल रहे हैं लोग, आप समझ सकते हैं कि कितना भी भारतीयता और राष्ट्रवाद का दावा कर रहे हैं, इनका माल पूरी तरह से उधारी का है। इन दोनों धाराओं के बीच में जो तीसरी धारा हमारे आंदोलन की जो मुख्य धारा बनी आगे चल के, वो थी टैगोर, गांधी, नेहरू, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने ये कहा, ये माना कि हाँ हमारे यहां विविधता है, हाँ हम उस तरह के यूरोपीय किस्म के राष्ट्र नहीं हैं, बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यूरोप की प्रतिकृति क्यों बने? हम पांच भाषाएं जानते हैं, पांच एक से तो ज्यादा ही डर में हीन ग्रंथि पालने की क्या जरूरत है। बल्कि आप देखिए टैगोर ने तो राष्ट्रवाद का विरोध तक भी किया, अंतरराष्ट्रवाद का दरअसल विरोध कर रहे थे, गांधी से उत्तराखंड का मतभेद भी चला। तो विविधता का देह धारण करते हुए भारतीय राष्ट्र का निर्माण होगा, यह जरूरत दुनिया में किसी ने नहीं की थी। यूरोप का जो राष्ट्र निर्माण का फॉर्मूला है उसमें बाउंड्री को कल्चरल बाउंड्री के साथ मिला देने का है, वहां विविधता आते ही वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्पेन में मुस्लिम शासन खत्म करने से लेकर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक उनके यहां सबसे बड़ी गुत्थी यही रही, जो 1648 की वेस्टफिलिया संधि में जो कायम हुआ था फॉर्मूला कि जो राजा का धर्म है उसी के अनुयायी उस राष्ट्र राज्य में निवास करें, बाकी के धर्मानुयायी दूसरे राष्ट्र राज्य में चले जाएं जहां उनके धर्म का शासक शासन कर रहा हो। विविधता उनको कबूल नहीं है, केवल दावा करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी में कि हम विविधता का सम्मान करते हैं, लेकिन पहले वो विविधता को दमन कर देते हैं, फिर वो नेशनल रेवोल्यूशन करते हैं जिसमें विविधता का पूरा दमन हो जाता है, फिर वो उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही ये बात तय हो गई
कि हम विविधता का दमन नहीं बल्कि उसकी स्वीकृति पर आधारित एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे और ये नेशन इन मेकिंग होगा। ठीक है, हम नेशन नहीं है लेकिन हम नेशन बन रहे हैं और बनते और बुनते हुए चले जाएंगे। और इसी में हम न तो एक भाषा की बात कर रहे हैं, देखिए भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन की बात राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौरान ही हो गई थी। जो जो प्रांत बने हुए थे ब्रिटिश दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, वो प्रशासनिक इकाइयां थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रांतीय समितियां बनती थी वो भाषा आधारित राज्यों के आधार पर बना करती थी, पहली बात। दूसरा, हमने सभी धर्मों की एक साझी एकता कायम की और उसके आधार पर एक सर्ववर्गीय राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। मुस्लिम लीग हमेशा ये दावा करती थी कि कांग्रेस हिंदुओं की, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि हम सभी धर्मों और सभी जातियों की पार्टी है। और इसीलिए जब देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग ने भले ही एक मुसलमानों की बहुसंख्या पर आधारित एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया, लेकिन जो शेष बचा भारत था उसमें हिंदुओं की बहुसंख्या वाला भारत या एक, एक जैसे कि थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाया गया बल्कि इसे एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया, क्योंकि यही कांग्रेस का और राष्ट्रीय आंदोलन का स्टैंड था। यदि हम उस समय हिंदू स्टेट बन जाते तो ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का जो ये आरोप था कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल हिंदुओं का आंदोलन है, वो सही सिद्ध हो जाता। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को हमने उनके इस आरोप को सही सिद्ध कर दिया है, जिस तरफ हम उल्टी यात्रा कर रहे हैं। क्या वापस आते हैं, तो राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में जो हमारा जो राष्ट्रीय राष्ट्र निर्माण की जो बात चली उसमें न तो हमारा एक एक, एक भाषा की बात नहीं हो रही है, एक धर्म की बात नहीं हो रही है, हम एक कॉमन एनिमी की बात भी नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य शत्रु की बात भी नहीं कर रहे हैं। गजराम जी, हमने तो अंग्रेजों को भी अपना शत्रु नहीं माना। आप यदि हिंद स्वराज देखें 1909 में लिखी हुई, तो हिंद स्वराज विलायती शासन के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं है, वो तो कह रहे हैं शैतानी सभ्यता है। ये शैतानी सभ्यता भारत के लिए नहीं, स्वयं अंग्रेजों के लिए भी अहितकर है। दादा भाई नौरोजी ने यही बात पॉवर्टी एंड अनपिटिश रूल इन इंडिया अपनी जो पुस्तक थी उसमें ये बात कही कि आप भारत का शोषण करके चाहे अपने औद्योगिक क्रांति संपन्न कर रहे हो, लेकिन इससे अल्टीमेटली आप ही का नुकसान होने वाला है, आपके यहां तानाशाही आ जाएगी, क्योंकि ये जो आपके यहाँ के लोग आकर के भारत में तानाशाह की तरह से बिहेव करते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद जब वापस अंग्रेज लौटेंगे ब्रिटेन में तो ये आपकी डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट को स्वीकार नहीं करेंगे, ये आपके लिए बुरा होगा, तो हमें मुक्त करके दरअसल आप स्वयं मुक्त होंगे। ये था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें न तो कोई अंदरूनी शत्रु है जैसा कि जर्मनी के राष्ट्रवाद में यहूदियों को चुना गया था या आजकल एक एनिमी अंदरूनी चुना जा रहा है, न ही कोई भारी शत्रु है। भारत का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम स्पेन से जुड़ा, स्पेन के गणतंत्रवादी सरकार के साथ जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत आंदोलन के साथ जुड़ा, फिलिस्तीन के आंदोलन के साथ जुड़ा, ये है हमारा राष्ट्र निर्माण का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्र निर्माण कोई ठहरी हुई चीज नहीं थी, क्योंकि स्वस्थ राष्ट्र राष्ट्रवाद में राष्ट्र पर लगातार बहस चलनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्र की परिकल्पना पे लगातार बहस चलती रही। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया टैगोर और गांधी के बीच में बहस हुई, आप देखिए सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल अपर मिडिल क्लास तक सीमित था, फिर वो गरम दल के दौरान थोड़ा लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा, लेकिन 1930 के आसपास एक बड़ा परिवर्तन आता है और पूना पैक्ट के बाद में दलितों को इसमें शामिल किया जाता है, और घसीराम जी जिसका भी जिक्र कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलनों का जो की जो शुरुआत हुई, तो देशी रियासतों की प्रजा पहली बार 1930 के दशक में जाकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनती है, और सबसे बड़े पैमाने पे किसान एक के बाद एक, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये दोनों दो दो काल कार्यकाल जो है कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं, इसमें किसान जो है बड़े बड़ी संख्या में, तो ये तीनों को राष्ट्र की परिकल्पना में शामिल किया गया। हमारा राष्ट्र कोई ठहरा हुआ राष्ट्र नहीं है, लगातार इवॉल्व कर रहा है लगातार इसमें। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में तो गांधी जी काफी रेडिकल हो जाते हैं, लगानबंदी के आंदोलन को भी जो है उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, और मजदूर जिस तरह से इसमें जुड़ रहे हैं, तो राष्ट्र की परिकल्पना कोई ऐसी सीमित परिकल्पना नहीं है जो बाकियों को देशद्रोही होने का केवल फतवा जारी करती रहे, बल्कि आप देखें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में न तो आरएसएस और हिंदू महासभा शामिल थे, ना भीमराव अंबेडकर शामिल थे, ना कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी,
लेकिन इनमें से किसी को भी कांग्रेस, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, कांग्रेस का मतलब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उस समय, किसी को भी उन्होंने ये फतवा जारी नहीं किया कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। उनका ठीक है, हमारा मतांतर है, किसी मत पे एक अलग धारणा है, लेकिन हम सब भारतीय जन हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं। और देखिए, इसीलिए जब भारत की संविधान सभा बनी तो गांधी जी ने यही बात कही कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, लेकिन आजादी पूरे मुल्क को मिली है, लिहाजा मुल्क के सभी वर्गों और सेक्शंस के लोगों को इसमें इसके बनाने में शामिल किया जाना चाहिए। 25 नवंबर वाले भाषण में अंबेडकर खुद कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे आया था केवल शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे अचानक जो है संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य चुन लिया, और उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुझे अपना चेयरमैन बना दिया। वो अंबेडकर जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर थे, एक तरह से भारत के कानून मंत्री थे उस पूरे दौरान में, वो जो है भारत का संविधान बनाएंगे। ये गांधी, नेहरू, पटेल का ये, और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना ये थी, ये जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों को जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं ये, और इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारा संविधान प्रदान कर रहा है। ये एक थोड़ा सा मैं समय इस पर आपका लेना चाहूंगा, मेरे पास में 12:28 12:45 तक का समय है, मुझे जो शेड्यूल मिला है उसके मुताबिक। तो संविधान का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान के लोग खुद करें, ये आज के युवाओं को लगता होगा कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, ठीक है भारत के लोग ही तो भारत का संविधान बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यदि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में वो समझें, सुने, बुले, तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा विकट मामला था। क्योंकि अंग्रेज ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाने के लायक नहीं है, वो बड़े मासूम लोग हैं, हम लोग जो है डेवलप्ड हो गए हैं, हम लोग मैच्योर हैं, हम व्हाइट मैन्स बर्डन भी है हमारे ऊपर, लेकिन हम आए सभ्य बनाने के मिशन पे निकले हुए हैं, लिहाजा हम आकर के धीरे धीरे जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के फिर फिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, और फिर 1813, 1833 और 1853 का भारतीय परिषद अधिनियम चार्टर एक्ट, उसके बाद में 1858 का भारत स्वतंत्रता, भारत का जो शासन अधिनियम जिसमें कि कंपनी का राज खत्म हुआ, संसद की तरफ जो है ब्रिटिश ताज की तरफ जो है सत्ता चली गई, और उसके बाद आप देखें 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, और 1919 और 1935 का। अंग्रेज ये दावा करते थे कि देखिए हम आपको धीरे 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 संवैधानिक शासन की तरफ ला रहे हैं, और ये हमारा ही तरीका था जिसकी वजह से आज आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चीन में चूंकि हमारा राज कायम नहीं हुआ तो वो कम्युनिस्ट तानाशाही के जाल में फंस गया, तो कम्युनिस्ट चाइना इसलिए बना क्योंकि वो पहले अंग्रेजों का पराधीन नहीं रहा था। देखिए साहब क्या गजब का तर्क दिया है, जरा इनसे ये भी उलट के पूछ लिया जाए कि भाई हमारा जो भारत है इसमें तो काफी हिस्सा देशी रियासतों का था, लेकिन जो ये पाकिस्तान बना हुआ है ये तो ज्यादातर भावलपुर और एक दो रियासतों को छोड़ने के अलावा सारा सारा आपके द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट था, वहां तो फिर डेमोक्रेसी रहनी चाहिए थी ना, वहां क्यों नहीं डेमोक्रेसी चली भाई लेकिन ये तर्क वो देते थे और हमारे लोग इस बात को समझते भी थे। बल्कि 1928 में 1927 में जो साइमन कमीशन आया, शायद 1928 ही है, तो उसमें उसके प्रति हमारा विरोध क्या था, विरोध यही था कि भारत अग्रिम आगामी संवैधानिक सुधारों के लायक है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए जो मिशन भेजा गया उसमें सारे के सारे यूरोपीय सदस्य थे, तो भारत के लोगों ने इसको अपने आप सम्मान पे छूट माना, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात तो सही नहीं है, और जगह जगह उसका विरोध हुआ। लेकिन अल्टीमेटली 1940 में जाकर के, अगस्त 1940 में जाकर के वायसराय ने माना कि भारत का संविधान भारत के लोग बना सकते हैं, और उसके बाद में आपको सब पता है कि क्रिस प्रस्ताव आए, फिर बाद में कैबिनेट मिशन के जरिए जो है संविधान के निर्माण की बात, एक संविधान सभा बनी और ये सारा, उसके साथ देश का विभाजन भी हुआ। हालांकि तो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया और जिसमें बाबा साहब अंबेडकर एक आर्किटेक्ट के रूप में वहां है, हालांकि 25 नवंबर के भाषण में बड़ी विनम्रता के साथ वो ये बात कहते हैं कि जो मुझे सारी बधाइयां दी जा रही है इसका मैं पात्र नहीं हूं, और वो बी एन राव का नाम लेते हैं जो संवैधानिक सलाहकार हैं, एस एन मुखर्जी का नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी विनम्रता से उन सबका उल्लेख करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं
कि उन्होंने वो मैकेनिज्म अवेलेबल करवाया जिसकी वजह से मेरे लिए आसान हो पाया कि मैं संविधान सभा में अपनी बातें मनवा सकूं, क्योंकि अंबेडकर का एजेंडा बड़ा रेडिकल एजेंडा था उस समय के हिसाब से। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात हम सबको जिस पर गर्व होना चाहिए, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, राष्ट्र निर्माण का ये प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। सबने पहले नेशन बिल्डिंग की है, बड़े क्रूर और निर्मम और अनडेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन तरीके से की है। अपने यहां की रेड इंडियन आबादी का कत्लेआम किया है अमेरिका ने, कालों को जो अश्वेतों को गुलाम बना के रखा है, उसके बाद जब उनकी गुलामी खत्म हुई तो एक गृह युद्ध छिड़ गया वहां पे, और उसके बाद महिलाओं को तो कितना लेट जा करके वहां पे मताधिकार मिला। और आप भारत का उदाहरण देखिए कि 1950 26 जनवरी 1950 सबको एक साथ सार्वभौम वैश्य मताधिकार एक साथ प्रदान कर दिया गया, गजब की बात है सारी। और हमने इस डेमोक्रेसी के जरिए जो है नेशन बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट हमने बनाने की कोशिश की, क्योंकि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, इन तीनों शब्दों पर वापस से गौर कीजिए आप। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जितने मतांतर होंगे हम उन सबको स्वीकार करेंगे। इस जस्ट पहले मैं आपको बात बताता हूं, 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा कि एक साल में देश आजाद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो स्वराज है उसके चार स्तंभ होंगे। वो चार स्तंभ क्या है? अहिंसा, दूसरा उन्होंने कहा उस समय जब शब्द प्रचलित था अछूतोद्धार, तीसरा उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता, और चौथा उन्होंने कहा खादी। इन शब्दों का यदि आप ध्वनितार्थ देखें तो कहने को संविधान सभा में गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन गांधी की ये चेतना हमारे संविधान और संविधान सभा में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हुई है। अहिंसा का मतलब है सामने वाले को भी मौका देना, उसका दमन नहीं करना, उसकी बात सुनना, क्योंकि सत्य पे एकाधिकार का दावा मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य का विलोम भी सत्य हो सकता है, अहिंसा का मतलब ये है। पैशनेट ये मानना कि दूसरे के पास भी सत्य का कोई अंश हो सकता है, इसलिए एक संवाद किया जाए, ये चीज हमारे संविधान में लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में पूरी तरह से मौजूद है। और आपको राज्यसभा चैनल पे, राज्यसभा टीवी का जो चैनल है उस पे उन्होंने संविधान सभा पे पूरा एक बनाए हुए एपिसोड कई सारे, उसमें एक जगह मैंने पढ़ा तो फिर मैंने उसको ढूंढा, क्योंकि संविधान सभा की बहसों में वो जिक्र नहीं आता है, लेकिन वो जो कमिटीज की बहस में है वहां वो जिक्र आया। और वो कमिटी थी अल्पसंख्यक के बारे में, घनश्याम जी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में एक कंसल्टेंट कमिटी बनी, उसमें अंबेडकर भी थे और जिनको आजकल हम एससी और एसटी कहते हैं उसे 1935 के एक्ट में माइनॉरिटी कहा जाता था, हिंदू के रूप में। एक्चुअली ये तो बाद में हिंदू के रूप में एससी एसटी को शामिल करने वाली बात आई, और गजन ने सही कहा कि मत की शक्ति है जो इनको साथ लिया जा रहा है, वरना माइनॉरिटी कहा जाता था इन्हें। तो जो माइनॉरिटी राइट्स की बात हो रही थी उसमें दरअसल रिलीजियस माइनॉरिटीज भी थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी थी, और ये एससी एसटी भी जिसको आज हम कहते हैं वो भी वहां पे शामिल। तो अंबेडकर वहां पे एक बड़ा जबरदस्त सुझाव देते हैं, और वो कहते हैं कि साहब ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट तो खत्म हो जाए, पृथक निर्वाचक मंडल खत्म हो जाए, लेकिन प्रत्येक चुनाव में ये तय कर दिया जाए कि वही प्रत्याशी विजयी होगा जिससे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटी का एक सर्टन परसेंटेज ऑफ वोट्स जरूर मिले। आप इस बात को समझ रहे हैं? यदि आज की तारीख में फर्स्ट पास दी पोस्ट जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, अब हो सकता है कि उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत बड़ी साइजेबल माइनॉरिटी का एक भी वोट ना मिला हो। और इस आधार पे आप देखिए देश की दो केंद्र सरकारें चुनी जा चुकी हैं जिन्हें बहुत कम माइनॉरिटी के वोट मिले हैं, इस तरह से सरकार, और बिहार में भी इस तरह से सरकार बनी है, और ये उनके एलिनेशन की तरफ ले जाने वाली घटना होने वाली है। अंबेडकर उस समय फोर सी कर रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि विजेता उसको होना चाहिए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटी का एक मिनिमम कोटा तो कम से कम हासिल करे, ताकि उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करें। हालांकि उस कमिटी के 11 मेंबर में 10 ने उनके इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया, इसके बावजूद अंबेडकर बड़ी दृढ़ता से अपना हाथ उठाते हैं कि कम से कम मैं तो अपने प्रस्ताव के पक्ष में हूं, प्रस्ताव माना नहीं गया। लेकिन आज
इस बारे में सोचा जरूर जाना चाहिए, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तक के बारे में सोचा जाना चाहिए, अन्यथा ये देश एक बहुसंख्यकवाद के बवंडर में रस्ता जा रहा है, जिसकी तरफ घासीराम जी ने जिक्र किया था। तो ये पहला, जैसे मैंने बताया आपको, स्वराज का जो स्तंभ होना था अहिंसा, जो लोकतंत्र के रूप में आया और लोकतंत्र को परिभाषित किया गया कि वो बहुसंख्यकवाद नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल की जो अत्यंतिक विशेषता है वो बहुमत का शासन नहीं है। हर शासन बहुमत का शासन, हर वैध शासन बहुमत का शासन ही होता है। अंग्रेजों का शासन भी इसलिए चला 200 साल क्योंकि भारत का बहुमत उनके पक्ष में था। जिस दिन बहुमत उनके पक्ष में नहीं रहा, उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी, सबका शासन बहुमत का शासन ही था। जियाउलक का शासन भी बहुमत का शासन ही है। लोकतंत्र की आत्यंतिक विशेषता है कि यहां अल्पमत का दमन नहीं किया जाता है, यहां असहमति को पूरा स्पेस दिया जाता है, उसके प्रति पूरी सहिष्णुता ही नहीं, पूरा आदर होता है उसका। और ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है। डेमोक्रेसी का प्राण तत्व यहां पर है। इस अर्थ में ही भारत में डेमोक्रेसी को अंबेडकर, नेहरू, गांधी परिभाषित कर रहे थे। अहिंसा पहला, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को हमारे यहां सेक्युलरिज्म के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। और ये सेक्युलरिज्म जो है धार्मिक विविधता को जोड़ता है। राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा जो हमारा जो मॉडल है वो सेक्युलरिज्म की वजह से ही सफल हो पा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी धर्म ये दावा नहीं करता है कि मैं चूंकि संख्या में बहुत ज्यादा हूं इसलिए मेरी बात को मान लिया जाए। इसमें ठीक है विचलन आता है, चाहे 1984 का सिखों के विरुद्ध हुई हिंसा हो, चाहे 2002 में गुजरात प्रोग्राम हो, या 1992 का बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हो, इस तरह के हम सारे देख सकते हैं। ये विचलन है, कम से कम इनको विचलन तो कहते हैं। यदि बहुसंख्यकवाद होता है, यदि पाकिस्तान की तरह होते तो हम कहते यही सही है। आज हालांकि वो धुरी हमारी हम हिल रही है थोड़ी सी, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं कि हम गलती को पहचानने में ही आजकल हमें, लेकिन आज कम से कम हमारा संविधान हमें ये विवेक देता है कि क्या गलत है और क्या सही। तो दूसरा हमारा जो आधार स्तंभ है वो सेक्युलरिज्म है, जो उसूली फासले के सिद्धांत के रूप में आता है। हमारा सेक्युलरिज्म यूरोप की नकल नहीं है, जैसे हमारा लोकतंत्र भी यूरोप की नकल नहीं है, बल्कि यूरोप में तो लोकतंत्र केवल मिडिल क्लास का शगल है। वो जो है आम जनता से तो बहुत शंकित रहे, महिलाओं से बड़े सशंकित रहे। हमने पहले दिन ही इन सबको मताधिकार दिया, देखिए। और आज भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स दलित, पिछड़े, ग्रामीण, अल्पसंख्यक, किसान, ये जो वंचित तबके हैं वो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दावेदार हैं। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके अंदर तो अधिनायकवाद की हूक बड़ी गहराई से मौजूद है। ये यूरोपीय लोकतंत्र नहीं है। आगे चल के जब लोकतंत्र पे कोई बात लिखी जाएगी तो उसमें यूरोप के लोकतंत्र के फुटनोट के रूप में ही आएंगे। योगेंद्र यादव अक्सर ये बात कहते हैं, वहां भारत के लोकतंत्र की चर्चा होगी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आवाम जो है वो लोकतंत्र में शिरकत कर पाती है और करती चली जा रही है। इस तरह से हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसमें स्टेट रिलीजन से तटस्थ नहीं है, अलग आके खड़ा नहीं हो गया है, बल्कि संविधान ये कहता है कि वो जो है मंदिरों में प्रवेश राज्य जो है सुनिश्चित करवाएगा, अछूत अस्पृश्यता को जो है खत्म करेगा। तो स्टेट हैज टू इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर्स। आर्टिकल 25 की शुरुआत यही है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता और इस भाग के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान हकदारी होगी। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है धर्म की स्वतंत्रता। सती प्रथा धार्मिक हो सकती है लेकिन नैतिक नहीं है। इसको स्टेट, इस पे रोक लगाएगा, स्टेट इंटरवीन करेगा। यह है भारत का सेक्युलरवाद। ये जो फ्रांस और नॉर्वे और जर्मनी, मुस्लिमों की थोड़ी सी आप्रवासी संख्या पहुंची है, उनका जो है सेक्युलरवाद सारा हिलने डुलने लगा है, उसको भारत के रास्ते पे आना पड़ेगा। बड़ी बात करते थे कि साहब हमारा सेक्युलरवाद देखिए पूरी दुनिया के लिए मॉडल है, लेकिन थोड़ी सी अल्पसंख्यक आबादी वहां पहुंची नहीं और हालत खराब है। तो दुनिया भारत के रास्ते पे चल के ही बचेगी। हालांकि ये अफसोस की बात है कि खुद भारत अपना भारतीय रास्ता इन दिनों भूल रहा है और वो भारत का नाम लेते लेते एक अभारतीय रास्ते की तरफ चलता चला जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, पहला स्तंभ अहिंसा जो लोकतंत्र के रूप में आया, दूसरा स्तंभ हिंदू मुस्लिम एकता
जो सेक्युलरवाद के रूप में आया, तीसरा अछूतोद्धार जो सामाजिक न्याय के रूप में मौजूद है, और सामाजिक न्याय का मतलब केवल अवसर उपलब्ध करा देना नहीं है, समान अवसर उपलब्ध करा देना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मानस हमारा निर्मित किया गया है शताब्दियों के असमानता में कि हमने अपनी इस अधीन स्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। इस स्वीकार्यता को तोड़ना बहुत जरूरी है और इसके लिए शॉक थेरेपी चाहिए। इस शॉक थेरेपी का नाम है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक भेदभाव, जो आरक्षण के रूप में हमारे संविधान में समानों के साथ समान बर्ताव हो सकता है, लेकिन यदि लोग असमान है तो उनको असमान बर्ताव किया जाएगा, तभी समानता पल्लवित होगी। यह हमारा संविधान इसको क्लियरली मेंशन करता है। मेरे ख्याल से 5-1 मिनट मेरे पास और है गुलाम जी, रसल साहब। हाँ सर, कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकते हैं जी, मैं कंक्लूड उसके बाद करूंगा 2-4 मिनट बाद। जी सर, जी सर, 12:40 तक का टाइम था सर। ओके सर, भैया करिए सर। बिल्कुल। और तो सामाजिक न्याय को भी अंबेडकर ने यह कहा कि केवल सामाजिक न्याय का मतलब केवल आनुपातिक सहभागिता नहीं है, बल्कि उस न्याय को भ्रातृत्व तक विकसित होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे साथी प्रयोग जोशी इस बारे में अक्सर लिखते हैं कि केवल अपने हिस्सा हासिल कर लेना न्याय नहीं है, बल्कि इसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक साझापन, एक भ्रातृत्व पैदा होना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। वरना आजकल जो एक सामाजिक न्याय के नाम पे जो आरक्षणवाद चल गया है, वो भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। नजीराम जी से शब्द उदाहरण लिया मैंने, तो ये इस बात को हमें समझना चाहिए कि जैसा कि आप देखें, अमेरिका में अस्मिता की राजनीति या बहुसंस्कृतिवाद एक अंधी गली में जाके पहुंच जाता है, और इसके प्रत्युत्तर में श्वेत बहुसंख्यकवाद वहां पे खड़ा होने लगा है। जो ट्रंप का जो उभार हुआ था वो यही था। तो हमें इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि आरक्षण को हम सामाजिक न्याय की एक युक्ति के रूप में स्वीकार करें, एक अंतिम ध्येय के रूप में नहीं। और वो अंतिम ध्येय क्या होगा, वो हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, वो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। हालांकि इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूंगा कि भाईचारा ही क्यों, बहनापा भी होना चाहिए। बहनों के बीच भी तो अच्छे संबंध हो सकते हैं, यानी मान के चलते हैं कि बहनें और देवरानी जेठानी हमेशा लड़ती रहती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है ना। तो भ्रातृत्व में बहनापा भी शामिल है, नरेंद्र जी की स्वीकृति है मेरे ख्याल से इस बात में। तो फिर बात आती है खादी की। तो खादी का मतलब इकोनॉमिक जस्टिस है, और इसे जो है हमारे संविधान में निजी संपत्ति का अधिकार भी दिया गया, आज भी संवैधानिक अधिकार के रूप में है, लेकिन निजी संपत्ति का सर्वहित के विरुद्ध अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ताकि वो विवश लोगों के शोषण का माध्यम न बन जाए। तो गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो मोटे तौर पर हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें निजी संपत्ति भी होगी लेकिन उसका सार्वजनिक उपयोग भी होना चाहिए। ये हमारा संविधान का एक पूरा साचा, एक ढांचा संविधान सभा ने प्रस्तुत किया, और ये राष्ट्र निर्माण की जो ये विविधता के देह धारण की जो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये उसी के हिस्से हैं। आप यदि देखें कि इसी के जरिए वो सारी विविधता को समायोजित किया जा सका, और जिस तरह से पाकिस्तान ने यूरोप का जो तरीका अपनाने की कोशिश की कि एक धर्म, एक भाषा और एक एनिमी हम लोग, तो एक भाषा के चक्कर में पूरी पाकिस्तान से वो हाथ धो बैठे। यूरोपीय तरीका यदि अपनाएंगे राष्ट्र निर्माण का, तो पाकिस्तान वाली गत होती हमारी भी। हमने हमारे यहां भी भाषाई मामले में झगड़े शुरू हुए 1964 के नेहरू जी की मृत्यु के ठीक पहले शुरू हो गया था मामला, क्योंकि 1965 में हिंदी को अकेली राजभाषा होना था, लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए, सेक्युलरिज्म के जरिए, फेडरलिज्म के जरिए, हमने इस तरह की सारी जो हमारी वर्टिकल डाइवर्सिटी थी, हमारी जो कल्चरल प्लूरलिटी थी, उसको हमने बड़े अच्छी तरह से सांगोपांग तरीके से जो है हम समायोजित करके अंडों को फोड़े बिना हमने एक ऑमलेट बनाया है, जिसका नाम भारतवर्ष है, जिसमें हमने अमेरिका वाला जो तरीका था मेल्टिंग पॉट वाला, कि सारी अस्मिताएं वहां पे आके मेल्ट हो जाती हैं, हमने कहा नहीं, हम सलाद प्लेट की तरह से राष्ट्र बनेंगे, जिसमें तरह तरह के जो चीजें होंगी उनका अलग अस्तित्व भी होगा, लेकिन कुल मिला के वो एक सलाद होगा और उसका नाम भारतवर्ष होगा। विविधता में एकता एक घिसा पिटा नारा बन गया है, लेकिन यही है भारत, जो विविधता की स्वीकृति पर आधारित है। क्योंकि यदि यदि एकता ने एक रूपता बनने की कोशिश की, यदि यूनिटी ने यूनिफॉर्मिटी बनने की कोशिश की, जब एक ही धर्म चलेगा,
या जैसे श्रीलंका ने किया कि बौद्ध मत को यदि उन्होंने लागू किया, एक ही जातीयता उनके यहां जैसे सिंगली है उसी को यदि वो लागू करेंगे, तो जब वहां पे अल्पसंख्यक है जो जो हिंदू है और जो तमिल है वो गृह युद्ध की तरफ चले जाएंगे। तो विविधता एकता ने यदि एक रूपता बनने का प्रयास किया तो विविधता विभक्ति में विकृत हो जाएगी। हमें विविधता का सम्मान करना है तभी एकता सुनिश्चित हो पाएगी। अब जो तीसरा हिस्सा है, दो मिनट में केवल उससे आ जाता हूं कि आज हम कहां खड़े हैं और इसमें युवाओं की क्या भूमिका है। तो इस मामले में 25 नवंबर वाला जो भाषण है जो मैं उसको पूरा निकाल के लाया भी हूं, लेकिन उसके केवल एक हिस्से को मैं आपके सामने जरूर से बोलना चाहूंगा। एक का तो घसियाल ने बड़ा अच्छा जिक्र किया और वो हालांकि जिक्र उस समय 25 नवंबर 1949 को अम्बेडकर ये जिक्र नेहरू के सिलसिले में कर रहे थे कि हमें जो है किसी भी महान व्यक्ति के सामने कृतज्ञता में अपनी सारी अपनी लिबर्टी का समर्पण नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोई स्कॉट किसी आयरिश कवि का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि कृतज्ञता में जो है पुरुष अपना सम्मान समर्पित नहीं कर सकता, स्त्री अपना सतीत्व समर्पित नहीं कर सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता समर्पित नहीं। हम कृतज्ञ हैं, महान व्यक्ति हैं वो, लेकिन हमें उनको समूची शक्तियां नहीं दे देनी है जिससे कि वो संस्थाओं को बर्बाद कर दें। ये बात 1949 में गई थी लेकिन 2014 से ऑनवर्ड्स ये दौर चल रहा है। बल्कि सही 1975 में भी जो कुछ हुआ था या 1984 में भी जो कुछ हुआ वो सब भी इन संस्थाओं को तोड़ने का ही था। और आज ये काम बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, ये बात जरूर है। जिस तरह से सीबीआई के कार्यालय में रातों रात फोर्स पहुंच जाती है वो इमरजेंसी लगने से कौन सी कम घटना है। या सुप्रीम कोर्ट के चार जज यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एग्जीक्यूटिव का जबरदस्त दबाव है, तो ये संस्थाओं का जो क्षरण हो रहा है इन्हीं की तरफ अम्बेडकर उस समय इशारा कर रहे थे कि हम कहां चले थे, कहां से चले थे, किस दिशा में चले थे और आज हम कहां पहुंच रहे हैं। उल्टी यात्रा जो शुरू हो रही है, 25 नवंबर 1949 का भाषण अवेलेबल है नेट पे, हम सबको उसको जरूर देखना चाहिए। और फिर यहाँ पे वो आकर के एक बात बड़ी मैं थोड़ा सा आपको जो है सुनाना चाहूंगा, प्लीज आप ये सुनो। फॉरेन इंडिया शब्द देखिए जो इस्तेमाल किया है, भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज ए पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। भक्ति और हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। इसी में ठीक पहले उन्होंने कहा है लोकतंत्र के ऊपर ये खतरा है कि वो फॉर्म में तो डेमोक्रेसी रहेगा, रूपाकार में तो लोकतंत्र रहेगा, लेकिन सार तत्व में वो तानाशाही बन जाएगा, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होगी। यदि यहां का बहुसंख्यक एकजुट होकर के वोट देने लग जाएगा तो बहुसंख्यक वाद कायम हो जाएगा। हर 5 साल बाद चुनाव होंगे लेकिन रिजल्ट आपको पहले ही मालूम होगा कौन जीतने वाला है। ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी नहीं होगी। इस खतरे की ओर अंबेडकर ने इस भाषण में इशारा किया है। इन सबके बीच में वो ये बात कहते हैं कि यदि हमें राष्ट्र बनना है, यदि हमारे लोकतंत्र को सफल होना है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यदि हमें बनना है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हमें संतुष्ट नहीं होना होगा बल्कि हमें सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कायम करनी होगी। सोशल डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि कास्ट की वजह से दशरथ जी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एक सोशल हायरार्की है। इसलिए जो वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू का सिद्धांत पॉलिटिक्स में है उस सोसाइटी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। रसूल साहब मैं आपका बिल्कुल इशारा समझ रहा हूँ, आखिरी एक मिनट पर आ गया हूं मैं। और इस सब के दौर में एक युवा होने के नाते, क्योंकि युवा की जो मेरी परिभाषा है और मैं वो तो ये है कि उसको परिवर्तन कामी होना चाहिए। यदि वो चेंज यदि वो वर्तमान हालात में जो व्यक्ति ढल गया है वो बूढ़ा हो गया, वो न तो प्रश्नाकुलता उसमें बची है न जिज्ञासा आशंका का संस्कार बचा है, वो वर्तमान हालात में ढल करके और वो बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, 16 से 36 की उम्र में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होते हैं, लेकिन 16 से 36 उम्र का व्यक्ति अपनी फिजिकल उम्र वाला व्यक्ति यदि स्टेटस क्वोइस्ट हो गया तो 16 को 61 और 36 को 63 बनते देर नहीं लगती है। सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में जो सबसे युवा व्यक्ति देखा वो थे जयप्रकाश नारायण या अभी मेरे टीचर तो मेरे गुरु जी हैं वासुदेव जी, 65 साल की उम्र में भी वो मेरे से ज्यादा युवा है। उनमें जो 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 उनमें जज्बा है परिवर्तन का,
तो ऐसे युवा जो हालात हैं उसका आकलन करें, उसको देखें और उसी के आधार पे उनको जो है जो अंबेडकर जो बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, यानी कि गवर्नमेंट कई बार आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो फॉर द पीपुल कर रहे हैं, लेकिन वो पीपुल खुद कह रहा है कि साहब हमें आपका काम नहीं चाहिए। जो किसान खड़े हैं उनके लिए सरकार कह रही है कि हमने ये कानून आपकी भलाई के लिए बनाया है, आप समझ नहीं रहे हो। कौन सी समझदारी है जो जिसको फायदा पहुंचना उसको समझ नहीं आ रहा है। सीएए के लिए कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समझ नहीं रहे हैं, और जीएसटी के लिए कहा जा रहा है व्यापारी समझ नहीं रहे हैं, नोटबंदी के लिए कहा जा रहा है जनता समझ नहीं रही है। ये कौन से कानून है, कौन से कारनामे हैं जो जिनके लिए किए जा रहे हैं वो समझ नहीं रहे। तो ये गवर्नमेंट फॉर द पीपुल जो है वो तभी सार्थक हो सकती है जबकि वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल और गवर्नमेंट बाय द पीपुल हो, और ये काम केवल युवा कर सकते हैं, वो भी तब जबकि वो सचेत सजग और सचेष्ट हो, एक्शन विद नॉलेज करने पर ये युवा अपने संविधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्र निर्माण के इस अधूरे एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया इस अवसर पे अपने बात रखने का, और नसीराम जी नरेंद्र नाथ और राजेश भाई के साथ अपनी बात रखने का, बड़े लोगों के साथ सहभागिता करने का, मैं इस सबके लिए आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, प्रिंसिपल साहब का और विभागाध्यक्ष मैडम का, और विशेष रूप से मेरी साथी रही अकीला जी ने जिन्होंने की मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव सर जी, बहुत ही विदतापूर्ण ज्ञानवर्धक तथ्यात्मक सारगर्भित संबोधन हमें सुनने को मिला आपके माध्यम से। आपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वधर्म, सामाजिक समानता, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, अंबेडकर कहाँ खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम, भारतीय विविधता, अंग्रेजी शासनकाल में राष्ट्र निर्माण की अवधारणा, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनका जो राष्ट्रवाद है उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की कि किस तरह से उनका जो राष्ट्रवाद है जो वर्तमान में तथाकथित रूप से हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं उधारी का राष्ट्रवाद है, अंग्रेजी राष्ट्रवाद है, एक भाषा एक धर्म एक शत्रु की अवधारणा पर पूर्णतः आधारित राष्ट्रवाद है। टैगोर, गांधी, नेहरू, ज्योतिबा फुले के माध्यम से आपने राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की जो सुंदर व्याख्या की, और 25 नवंबर 1949 के डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो अद्भुत भाषण था उसके माध्यम से आपने जो जानकारी हमें दी, लोकतंत्र की अवधारणा, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, अहिंसा, अछूतोधार, हिंदू मुस्लिम एकता, खादी, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक की जो अवधारणा है, और खास तौर से जो लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो राष्ट्रवाद है, हमारा जो देश है वो एक सलाद की प्लेट की तरह होना चाहिए, भारत का निर्माण सोशल डेमोक्रेसी की आपने बात की, निश्चित रूप से एक बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन आपका हमने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी।